लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में प्रदेश की 7 सीटों के लिए नामांकन पत्र जमा करने का आज अंतिम दिन है। आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग सीटों से प्रत्याशियों ने दिग्गज नेताओं के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में बैतूल लोकसभा के पार्टी प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह, लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक व विधायक हेमंत खंडेलवाल और पूर्व मंत्री कमल पटेल उपस्थित थे। वहीं दमोह से पार्टी प्रत्याशी राहुल लोधी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मंत्री व विधायक जयंत मलैया, गोपाल भार्गव के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।